हाँ वायोलेंट कड़े तरीके से थी इनिशियली जो सो इनिशियली दे स्टार्टेड माइंड स्टॉर्मिंग ऑफ द कॉमन पीपल्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट उन्हनि में तव्हांजा फार्मर्स अची विया बिज़नेसमैन अची विया ऑफिसर्स अची विया ठीकु आहे मिल्ट्री वारा अची विया मिल्ट्री जेका ब्रिटिश जी आर्मी हूंदी उन में लाज़मी कोन सभु ब्रिटिशर्स हुया पर जेके नंढी लेवल जा सिपाही रैंक जा माण्हू हूंदा हुया उहे तव्हांजा हिंदू या मुस्लमान हूंदा हुया ठीकु आहे हाणे हुननि छा कयो सभ खां पहिरियां जेके हुतां हारी हुया बिज़नेसमैन हुया ऑफिसर हुया मिल्ट्री वारा हुननि सभिनी जो माइंड जेको आहे सो ब्रेन वॉश शुरू करनि त बाबा जेको आहे सो असां सां ही ज़ुल्म आहे हाणे जेको आहे सो जेकॾहिं असां इहा मूवमेंट नथा लॉन्च कयूं त जापान असां ते हमिलो कंदो ऐं जापान असां ते हमिलो कयो त अॼु असां ब्रिटिशर्स जा ग़ुलाम आहियूं सुभाणे जापाननि जा ग़ुलाम थींदासीं तंहिं करे जेको आहे सो अचो सभु जेको आहे हिकिड़ी गॾिजी मास मूवमेंट स्टार्ट कयूं त ब्रिटिशर्स खे तव्हां भॼायूं ठीकु हाणे इन मूवमेंट में छा थियो त क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जना जेको आहे सो इन्हनि जी मूवमेंट खे छा करार ॾिनो एंटी मुस्लिम एक्शन ठीकु क़ाइदे आज़म चयो त एंटी मुस्लिम एक्शन आहे छो मुस्लिम एक्शन आहे ऐं रिफ्यूज़ कयो त असां इन मूवमेंट में तव्हां सां गॾु न आहियूं रिफ्यूज़ टू जॉइन द मूवमेंट हाणे जॾहिं क़ाइदे आज़म रिफ्यूज़ करे छॾियो त डेफिनेटली क़ाइदे आज़म जी उन्हनि रिप्रेज़ेंटेशन जेको आहे सो लाहौर रेज़ोल्यूशन में ॾिठी हुई त क़ाइदे आज़म सां जेको आहे सो मुस्लमान केतिरी हद ताईं गॾु हुया जॾहिं क़ाइदे आज़म हुननि खे रिफ्यूज़ कयो त पोइ हुननि छा कयो वायोलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स स्टार्ट कनि ठीकु आहे वायोलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स मुस्लमाननि ते तशद्दुद करणु शुरू कयनि मुस्लमाननि खे मारणु शुरू कयनि ठीकु आहे काफ़ी मुस्लमाननि जूं जानियूं इन मूवमेंट में वयूं जेको क्विट इंडिया मूवमेंट हुई ठीकु आहे वायोलेंस स्टार्ट थी वई ॿियो जेके उन वक़्तु सभु कॉन्टिनेंट में रेलवे लाइनूं हुयूं रेलवे लाइनूं हुयूं टेलीग्राफ जूं इन रोड हुया ब्रिजिस हुयूं टेलीकम्युनिकेशन जो जेको हुयो निज़ाम हाणे जेके बि रेलवे स्टेशन हुननि तबाह करे छॾियूं टेलीग्राफ जो निज़ाम तबाह करे छॾियो पुलूं तोड़े छॾनि या टेलीकम्युनिकेशन जा सॼा मवासिलाती तरीक़ा हुननि ख़तमु करे छॾिया त जीअं ब्रिटिशर जो जेको आहे सो को कंहिंसां कॉन्टेक्ट न रही सघे ऐं जेको आहे वधीक फोर्सिस वग़ैरह ब्रिटिश घुराए न सघे इन करे हुननि हर शइ ते जेको आहे डैमेज करणु शुरू कयो ऐं इहो जेको आहे सो इन मूवमेंट में हिनखे काफ़ी मोट मिली पंहिंजे कांग्रेस खे हिंदुनि जी कांग्रेस जेको आहे सो रिसीव्ड फुल सपोर्ट ठीकु फुल सपोर्ट हर तबिके मां मिलनि हारियुनि मां मिलनि ठीकु हारी जेके आहे उन्हनि सां गॾु थिया मज़ूर उन्हनि सां गॾु थिया लेबर उन्हनि सां गॾु थियो ऑफिसर जेके उन्हनि जा हुया उन्हनि जूं उहे ॻाल्हियूं न पिया कनि जेके एंटी हिंदू ॻाल्हियूं हुयूं जेके आर्मीअ में हुया उन्हनि जी मिल्ट्री में हुया उन्हनि खे चवनि उहे हुकुम तव्हां न मञो जेके असांजे ख़िलाफ़ु आहिनि ठीकु आहे उन्हनि मतिलबु का बि अहिड़ी ॻाल्हि न छॾी त जंहिंसां जेको आहे सो ब्रिटिशर्स खे असां वीक न कयूं पर ब्रिटिशर्स जेको आहे सो उन ॻाल्हि खे फ़िलहालु त जेको आहे इग्नोर कंदा रहिया ऐं ॾिसंदा रहिया पर ब्रिटिश जेको आहे सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन वक़्तु जेको आहे सो वार वर्ल्ड वार में फाथल हुई ऐं जेको आहे उन्हनि खे फुल कंसंट्रेशन न पई ॾिए पर तंहिं हूंदे बि जेको आहे ब्रिटिशर्स छा कयो उनखे हिकिड़ो तमामु सख़्तु जेको आहे सो रिएक्शन ॾिनो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ॾिनो ठीकु आहे स्ट्रांग रिएक्शन जो नतीजो छा निकितो जेका इहा वॾी मास मूवमेंट हुई इहा जेको आहे सो सफ़ा कूल डाउन थी वई थधी थी वई ठीकु आहे उन्हनि जो रिएक्शन छा हुयो उन्हनि पहिरियां त जेको आहे सो जेके मोस्ट प्रोमिनंट लीडर हुया उन्हनि सभिनी खे अरेस्ट कयो ठीकु जेके वायोलेंस पिया कनि उन्हनि सभिनी खे फायर करायनि उन्हनि खे फायर डायरेक्ट फायर
ओपन कराए दोबारा उनको मारे उन ठीक है तकरीबन उन में जो आसो 10,000 मू मर्डर्स थी ठीक है अरेस्ट केतरा थे तकरीबन लख का मथे मू अरेस्ट थे उन्हें में जो आसो मोस्ट प्रोमिनेंट नेहरू हुयो गांधी हुयो जेके प्रोमिनेंट लीडर हुआ वो सब अरेस्ट थी हाँ थो जैसे वो सब अरेस्ट थी या जो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी साहब हलई क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जना चो दैट दिस मूवमेंट इज एंटी मुस्लिम एक्शन गांधी जो नारो हो क्विट इंडिया मूवमेंट जना साहब नारो हो जना नारो हो डिवाइड एंड क्विट क्या डिवाइड एंड क्विट पैरा इंडिया के तकसीम कयो पो वनो ये न वनो माना ये ता जे कदे विंदो होला तो कांग्रेस जेको सागियो मुसलमानन सा ब्रुटली जेको रवैयो रखे पई ओई सेम रवैयो रखंदी ए मुसलमानन जो जेको सो गालियो न मनंदी ठीक कायदे आजम डिवाइड एंड क्विट गांधी होय तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी होय ते वायलेंट में इयो बनारो होय तो डू आर डाई मरो या मारियो पर पोते न हटो पर ब्रिटिश जो आसो जरूर अस ब्रिटिश की कॉलोनी रहा हूँ ब्रिटिश जो आसो वर्ल्ड वॉर टू में एडी वही फोर्सेस के मुँह दियो बीठी हुई तो सब कॉन्टिनेंट जहाँ मूँ जो आसो इतना इक्विप्ड को हुआसी वेल ट्रेंड को हुआसी ब्रिटिशर्स के कंपेरिजन में तो ब्रिटिश उन्हें मास मूवमेंट के विद इन स्पिन ऑफ टाइम शॉर्ट टाइम में जो मास मूवमेंट के सब आसो कूल डाउन कर छो कूल डाउन किए थी जैसे मानों के वायलेंस पे कन उन्होंने डायरेक्ट फायर जो ऑर्डर दिन जो वायलेंस कहते नजर अचे मारियस ठीक है जो तोड़ फोड़ करे तो उनके अरेस्ट कर तकरीबन लख मू अरेस्ट कयन उन जैसे गांधी अरेस्ट थो नेहरू अरेस्ट थो जो आसो नेडू अरेस्ट थो जो अब्दुल कलाम आज़ाद हुए वह अरेस्ट थी जो प्रोमिनेंट लीडर उन वक्त उन गु कम कन पे मूवमेंट में उ सब अरेस्ट जैसे जेल में पौता तो यहाँ जो मूवमेंट हुई क्विट इंडिया मूवमेंट बिल्कुल जो आसो थदी थी वही क्विट इंडिया मूवमेंट जो आसो बिल्कुल कूल थी वही पे इनिशियली मोट मिली मानू की वही मास सपोर्ट वही मिली इनके हारन पाँ किरदार अदा कर मजदूर पाँ किरदार अदा कर फौजन पाँ किरदार अदा कर ऑफिसर पाँ किरदार अदा कर मतलब हर सेक्शन में उन्होंने सपोर्ट मिली बिजनेसमैन्स जो अंडरग्राउंड उन्होंने सपोर्ट पे कन ठीक है तो इन मूवमेंट के स्टार्ट में यो लगे पे तो आसो ब्रिट कांग्रेस जो आसो ब्रिटिशर्स के गोडा झुकाने में कामयाब थी वी पर ब्रिटिश जी हुई उसो एडा वीक को हुआ जो नंढड़े एक मूवमेंट के फेस न कर सकन छो जो उन वक्त वही फोर्सेस से मुकाबलो कन पाया वर्ल्ड वॉर टू में तो सब कॉन्टिनेंट तो पे रूल कन पाया रूल कन पाया तो उनके खबर हुई अस सब कॉन्टिनेंट मानों के किए सप्रेस करो किए चुप कराणो आ सो उनके एतरो टाइम न लगो असो गांधी वाली मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के सप्रेस करण में विद इन अ शॉर्ट स्पिन ऑफ टाइम जो क्विट इंडिया मूवमेंट आसो फेल थी चुकी फेल थी वही ठीक हाँ जैसे फेल थी वही गांधी जेल में हली वो नेहरू जेल में हली वो सब प्रोमिनेंट लीडर जेल में हलिया वह तो उतार का जो आसो खतो किताबत शुरू थी गांधी की जो आसो मुसलमान लीडर से मुसलमान के उन्हें तो बाबा जो आसो छो मुसलम कायदे आजम नारो हणंदो पाकिस्तान जो तो इन क्विट इंडिया मूवमेंट में कायदे आजम डिवाइड एंड क्विट न ये काडे वो पे इंडिया के डिवाइड कर पो वनो भले ठीक है तो गांधी उनके खत लिखण शुरू किया बा जो पे गजी सजी ब्रिटिश के सब कॉन्टिनेंट में कढ़ूँ उन जो डिवाइड करणो करणो अस पा में वेही डिस पॉलिसी ठाईंदी उन पॉलिसी से जिथे मुसलमान मेजॉरिटी होंगी या मुसलमान मेजॉरिटी एरियाज हों उनके मुसलमान के हवा कहसी डिमार्केशन जो करनी अस पा में वेही बाद में करी तो जो आसो फिलहाल बई जो आसो यूनाइट थी करे इन्हें जो आसो अस ब्रिटिशर्स के सब कॉन्टिनेंट में भजायूँ पो जो मसलो अस पा में वेही रिजॉल्व कर वी बाहर आयो बाहर मिली करे जेका शे जी एक बे फेवर में दी वो थी वासी पर इतने भी जो आसो चे पे जो पावर ट्रांसफर थे वो फर्स्ट जो आसो कांग्रेस के थे फर्स्ट पावर ट्रांसफर कें थे कांग्रेस के हाँ जैसे कांग्रेस के पावर ट्रांसफर थे तो डेफिनेटली कांग्रेस इजीली मुसलमान जो डिमांड्स पूरी को करे हाँ कायदे आजम भी जो आसो सियाणो मू हो जो आसो कायदे आजम उन्होंने नेहरू की
गांधी जी गालन में ना आयो ए कायद आजम चो जेका असा मूवमेंट स्टार्ट कई आ उन मूवमेंट का साण पोते कोन हटंदासी डियो डी असा कदम अगते हुंदो ए विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम टे चार साल ई स्ट्रगल खां पो जेको असो कायद आजम जी अनरेस्ट स्ट्रगल खां पो असा जेको 1947 में जेको असो कोडो इंडिपेंडेंट मुल्क हासिल करे वठंदा आयो ठीक आ इयो जेको असो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई बियो टॉपिक असा जेको असो पढ़ंदासी क्विट इंडिया का गांधी जन टास्क थन्दून वेवल प्लान या सी आर फार्मूला उसे डिस्कस कंदासी।